तो मनसा सेवा के लिए एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है। एकाग्रता अर्थात एक शुद्ध संकल्प में मन को स्थित कर देना। जो भी शुद्ध संकल्प में अगर जितना समय में चाहूं जब चाहूं उसमें स्थित हो जाऊं, मानो मुझे शिव बाबा के पास परम धाम में शांत स्वरूप स्थिति में, बीज रूप स्थिति में भी शांति की स्थिति में मुझे 15 मिनट बिल्कुल उसी स्थिति का अनुभव करना है, तो मेरा मन हिले नहीं, बिल्कुल 15 मिनट उसी स्थिति में मन स्थित हो जाए, तो हम कहेंगे एकाग्रता। और जब ऐसा संकल्प होता है तो उसमें बहुत पावर होती है। हम कोई भी संकल्प कर सकते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ उसमें स्थित हो सकते हैं, या मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, जो भी बाबा ने हमें जो श्रेष्ठ स्मृतियाँ दिलाई हैं वो कोई भी एक श्रेष्ठ स्मृति में लंबे समय तक स्थित हो जाए, और फिर जिस आत्मा को आप वाइब्रेशन देना चाहो वो काम करेगा। वो एकाग्रता में अग्नि जैसी पावर होती है, इसे योग अग्नि कहा। और इसीलिए कहते हैं कि जब वो योग अग्नि होती है तभी हमारे विकर्म विनाश होते हैं और तभी हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं। दुनिया में भी लोग एकाग्रता की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और उससे भी वो असंभव को संभव, असाधारण जिसे कहते हैं ना, असाधारण प्रतिभा का जो प्रदर्शन होता है वो सब एकाग्रता की शक्ति के आधार पर ही होता है। जो साइंटिस्ट ऐसी ऐसी इन्वेंशन करके लाए हैं, जो चमत्कार जैसी इन्वेंशन हैं आज के समय में, वो भी एकाग्रता की शक्ति से ही हुई है। मुझे याद है कि एक इसराइल का साइंटिस्ट था, कुछ साल पहले की बात है, वो प्रैक्टिकल बात है, साइकोलॉजिस्ट था यूरी गेलर। तो दादी जानकी जी के साथ लंदन में उन्होंने एक प्रोग्राम किया, तो क्या दिखाया उसने कि वो मन में अगर अपने मन को एकाग्र करके, जैसे अगर उसने घड़ी को देख लिया, तो घड़ी को देखा और सोचा स्टॉप, तो वो घड़ी स्टॉप हो जाए, और फिर उसने संकल्प किया घड़ी चल जाए तो वो घड़ी चलने लग जाए। उसने किसी लोगों से चाबी निकलवाई, गाड़ी की चाबी, और वो चाबी अपने हाथ में ली और ये संकल्प किया कि ये चाबी मुड़ जाए, तो वो चाबी मुड़ गई। फिर उसने ये संकल्प किया कि चाबी फिर से सीधी हो जाए, ऐसे सीधी हो गई। ऐसे ही उसने कुछ अनाज अंकुरित कराए अपनी हथेली पर उसी समय, जैसे मूंग को हम भिगोते हैं और भिगो करके फिर उसको रखते हैं तब वो अंकुरित होता है, लेकिन उसने हथेली पर मूंग रखे और उनको थोड़ा समय एकाग्रता से देखा तो वो मुंह में अंकुर निकल गए। तो देखो ये एकाग्रता की शक्ति, जो असंभव से दिखने वाली चीज है वो संभव हुई। फिर दादी जी बैठे थे साथ में, तो दादी जी ने कहा कि मैं ये सब सिद्धियां तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैं राज्यों का अभ्यास पूरी सभा में कराऊंगी और सबको शांति का अनुभव मैं करा सकती हूँ। और दादी ने वही राज्यों का अभ्यास कराया, पूरी सभा में पिन ड्रॉप साइलेंस, बड़ा हॉल था एकदम भरा हुआ था, पिन ड्रॉप साइलेंस, और जो साइंटिस्ट वो बैठा था उसने भी वो साइलेंस का अनुभव किया। तब उसने दादी को कहा कि दादी ये जो है ये तो चमत्कार जैसी बातें हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो आपने शांति का अनुभव कराया सच में संसार को इसकी जरूरत है, और ये शांति का अनुभव मैं नहीं करा सकता, ये पावर मेरे पास नहीं है। तो ये हम आत्माओं के पास, क्योंकि हम शांति के साधक के डायरेक्ट बच्चे हैं, हम पावर से वो शांति की शक्ति स्वयं में लेकर के पूरे विश्व तक वो वाइब्रेशन फैलाने की क्षमता हम रखते हैं। तो लेकिन मन को वो एकाग्रता का अभ्यास भी बहुत काल का चाहिए, ये बाबा हमें कहते हैं।